नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों बात करेंगे हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के बारे में, SHRP नंबर प्लेट घर बैठे कैसे मंगाएं। दोस्तों अगर आपकी पुरानी बाइक है और आपकी बाइक के साथ सिक्योरिटी यानी हाई सिक्योरिटी जो नंबर प्लेट है वो नहीं आई है, तो आप अपनी घर बैठे ही अपनी बाइक का या अपने कोई भी वाहन है उसका हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट किस प्रकार से ऑर्डर करेंगे, अपने घर बैठे ही ऑर्डर कर सकते हैं, किस प्रकार से करना है, यह इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि और भी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ कंप्यूटर के स्क्रीन पर। आपको अपने कंप्यूटर के स्क्रीन को ओपन करना है, किसी भी ब्राउज़र को ओपन करना है और यहाँ पर आपको लिखना है SHRP। जैसे ही आप SHRP लिखेंगे आपको यहाँ पर एक लिंक मिलेगा बुक माई SHRP। सिंपल दोस्तों आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से पेज ओपन हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ से हमें अपने बाइक का जो सिक्योरिटी प्लेट है अप्लाई करना है, तो आपको यहाँ पर आना है। आपको यहाँ पर मिल जाएगा हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट, आपको यहाँ पर बुक मिलेगा, आपको बुक पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि एक फॉर्म ओपन हो जाता है। तो सबसे पहले आप किस राज्य से हैं उसे आपको सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसे डालना है, उसके बाद चेसिस नंबर आपको यहाँ पर डालना है, इंजन नंबर आपको यहाँ पर डालना है, इस दिए हुए कैप्चा को इस बॉक्स में डाल देना है। और उसके बाद दोस्तों चलिए मैं यहाँ पर जो है पूरा डिटेल को फिल कर लेता हूँ, उसके बाद क्लिक हेयर पर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो डिटेल है यहाँ पर आ जाती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपकी जो गाड़ी है कब खरीदी गई थी, उसका जो टाइम है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद फ्यूल टाइप आपको मिल जाएगा और आपकी जो गाड़ी है किस कंपनी से है वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर जो डिटेल है आपकी नंबर और जो गाड़ी का जो प्लेट नंबर होता है वो डालेंगे यहाँ पर तो सारी डिटेल आ जाएगी। और पूरा नीचे आप कॉन्ट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर कस्टमर का नाम डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, एड्रेस डालेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर जो पता है एड्रेस सारा फिल कर लिया है, उसके बाद मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे दोस्तों आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपने जो भी अपना मोबाइल नंबर एंटर किया है तो उस मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, उस OTP को आपको यहाँ पर डाल देना है और उसके बाद आपको फिर से आना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, अब आप देखेंगे कि यहाँ पर आप नया पेज देखेंगे तो यहाँ पर आएगा आपको दो प्रकार से मिलेगा, डिलीवरी अपॉइंटमेंट और यहाँ पर आपको मिलेगा होम डिलीवरी। तो दोस्तों चलिए मैं होम डिलीवरी पर क्लिक कर लेता हूँ और चेक कर लेता हूँ कि होम डिलीवरी होती है या नहीं। उसके लिए आपको एरिया कोड डालना है। एरिया कोड डालने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे कि जो होम डिलीवरी है यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। तो चलिए मैं यहाँ पर नीचे आ जाता हूँ, अपॉइंटमेंट बुक कर देता हूँ, क्योंकि अपॉइंटमेंट बुक वहीं से होगा जहाँ की गाड़ी है, जिस प्रकार जो भी आपकी गाड़ी है जो एजेंसी से ली गई है या जिस कंपनी की गाड़ी है उस कंपनी के जो है यहाँ पर लोकेशन आ जाएगी। जैसे यहाँ पर एरिया कोड डालेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारी जो कंपनी है जो एजेंसी है वो यहाँ पर आ चुकी है और जो आपका पेमेंट लगने वाला है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर अपना अपॉइंटमेंट चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अपॉइंटमेंट जो है 15 दिन से ऊपर ही आपको मिल जाता है, 15 दिन, 20 दिन या 1 महीने का अपॉइंटमेंट मिलता है। फिलहाल दोस्तों आपको जो स्लिप होता है, जो अपॉइंटमेंट होता है वो 1 महीने तक वैलिड होता है। तो दोस्तों जैसे आप नेक्स्ट करेंगे आप देखेंगे कि यहाँ पर आपकी बाइक है उसका पूरी डिटेल आपको देखने को मिल जाती है। आपको सही इसे चेक कर लेना है, उसके बाद कन्फर्म पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कन्फर्म करेंगे और यहाँ पर देखिए आपका जो चार्ज लगने वाला है वो आपको टोटल चार्ज यहाँ पर देखने को मिल जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, नीचे सारी डिटेल को देख लेना है और कहीं हमारी डिटेल कोई गलत चीज़ तो नहीं हुई है। उसके बाद आपको टर्म एंड कंडीशन यहाँ पर मिल जाएगा, यानी आपसे पूछा जाएगा कि आप वही नंबर रखना चाहते हैं या कोई दूसरा, यहाँ पर टिक करेंगे। उसके बाद आपको पे ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर कंसर्ट देंगे, पे ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। अब आपको जो पेमेंट है वो पे करना होता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो आप पेमेंट है अपने UPI के माध्यम से, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से इसका पेमेंट कर सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों मैं इसका जो पेमेंट है वो UPI यानी QR कोड के माध्यम से करने वाला हूँ। तो आप यहाँ पर आएंगे, देखिए
यहाँ पर जो हमें जहाँ से पेमेंट करना है वो पॉपअप आपके सामने है। तो यहाँ पर जो है आपको सेलेक्ट करना है UPI और QR कोड। तो मैं यहाँ पर UPI नहीं डालूँगा, यहाँ पर QR कोड ही जनरेट कर लेता हूँ इसका। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, सो QR कोड पर क्लिक करता हूँ, फिर से यहाँ पर क्लिक करता हूँ। आप फिर से आने के बाद आपको कंटिन्यू एंड पे पर फिर से क्लिक करना है, जो अमाउंट है वो आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पर। इतना ही अमाउंट आपके वॉलेट से कटेगा। तो यहाँ पर चलिए हमारा जो QR कोड है, जो QR कोड है इसका जनरेट हो चुका है। जनरेट होने के बाद आप चाहे गूगल पे, फ़ोनपे, कोई भी ऐप चला रहे हो, चाहे पेटीएम हो, उसे आपको इस QR कोड को स्कैन कर लेना है। और स्कैन करने के बाद अपना पेन एंटर कर लेना है। जैसे ही आप अपना पेन एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो जाता है। उसके बाद दोस्तों जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, और सक्सेसफुल होने के बाद आपको स्लिप का एक ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो हमारी अपॉइंटमेंट स्लिप है वो आ चुकी है, और जो एजेंसी का जो पता है वो भी यहाँ पर लिखा है। उसके बाद आपको यहाँ पर आना है, प्रिंट पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो अपॉइंटमेंट स्लिप है देखिए यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है, और आपकी जो स्लिप है वो यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी। तो चलिए मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करके आपको दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से हमारी जो स्लिप है वो यहाँ पर आई हुई है। तो हम चलिए इसे ओपन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों हमारी जो अपॉइंटमेंट स्लिप है वो यहाँ पर आ चुकी है, कितना अमाउंट हमारा लगा है। तो दोस्तों ये जो स्लिप होती है वो आपकी गाड़ी का जो टाइम है, जो हाइट सिक्योरिटी प्लेट है, वो एक महीने में आपके पते पर आ जाती है। तो ये जो स्लिप है वो एक महीने तक आप अपने पास रखें, आपका प्लेट के प्लेट का जो चालान होता है वो नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपका प्लेट है वो 15 से 20 दिन के अंदर या महीना के अंदर आपकी एजेंसी पर, अगर आपने एजेंसी सेलेक्ट की है एजेंसी पर, अगर आपने अपना जो होम डिलीवरी सेलेक्ट करी है तो वहाँ पर आपकी जो प्लेट है वो आ जाएगी। आशा करता हूँ दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें। तो